And today I am going to teach you multiplication by using pattern. यानी कि pattern के द्वारा multiplication कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा. तो multiplication by using pattern, यानी कि pattern के द्वारा हम क्या करेंगे, multiplication करेंगे. Look here. Suppose these are square. What? These are square. मान लीजिए कि ये क्या है? Square. अब हमको now we have to find how many square there. How many square there? Look sir. These are columns. These are columns. These are columns. What is it? These are columns. And these are rows. ये क्या है? रोज है और ये कॉलम है. रोज किसे कहेंगे? जो ये रोज है. क्या है? रो. रोज जो ऊपर से नीचे है अप टू डाउन वो रोज है और कॉलम क्या है ये राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट ये क्या है कॉलम. हाउ मेनी कॉलम है यार वन टू टू कॉलम. हाउ मेनी कॉलम वन टू टू कॉलम. हाउ मेनी रोज वन टू थ्री रो फोर वन टू थ्री फोर. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट How many square there in this pic? इस पिक में कितने स्क्वायर है? फोटो में कितने स्क्वायर है? मतलब इस चित्र में कितने पिक्चर में कितने स्क्वायर हैं? तो हम क्या कहेंगे? कॉलम्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई रोज. कॉलम का हम रोज से मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन करेंगे मल्टीपल करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्क्वायर मालूम चल जाएगा कि हाउ मेनी स्क्वायर देयर. तो कॉलम कितने हैं? वन टू टू कॉलम. कितने कॉलम है? वन टू टू कॉलम. और रोज कितने हैं? वन टू थ्री फोर. नाउ टू कॉलम फोर रोज हाउ मेनी स्क्वायर? 2 multiply 4 is equal to 2 multiply 4 is equal to 8. 2 multiply 4 is equal to 8. 2 multiply 4 and 2 multiply 4 2 4 is 8. 2 multiply 4 is equal to 8. क्या मतलब ये है कि कितने स्क्वायर है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. कितने स्क्वायर है? एट स्क्वायर है. नाउ लुक सम मोर एग्जांपल. Suppose these are square. Now, how many column? One, two, three column. How many column? Three column. How many rows? One, two, three, four, five rows. Now, we have to find out how many square in this
पिक्चर, इन दिस पिक्चर हाउ मेनी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई कॉलम एंड रोज। कॉलम और रोज में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हाउ मेनी कॉलम, 1, 2, 3 कॉलम मल्टीप्लाई, हम रोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम, और रोज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रोज। तो हम कॉलम से रोज में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। 3 टाइम 5, हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम 5। 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10, 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, या ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। तो आंसर विल बी 15। हाउ मेनी स्क्वायर देयर इन दिस पिक्चर, 15 स्क्वायर, वी हैव काउंट, वी कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जो काउंट करने का इजी वे है कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस आंसर, हम ज्यादा स्क्वायर को काउंट करना होगा तो हम टाइम लगेगा काउंट करने में, तो हम आसानी से इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम आसानी से इजीली काउंट कर सकते हैं। लुक वन मोर एग्जांपल, सपोज दीज आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर हम मान लेते हैं, लाइन थोड़ा सा, तो मिसेस क्या मान लेते हैं, स्क्वायर मान लेते हैं। अब हमें वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर देयर इन दिस पिक, इस पिक में, इस पिक्चर में कितने स्क्वायर हैं, हमें काउंट नहीं करना है। तो दीज आर कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 columns, how many columns, 6 columns, how many rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rows, 8 rows, now we have to find out how many square, कितने square हैं, हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स मल्टीप्लाई रोज, कॉलम्स का हम रोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि कितने स्क्वायर थे। तो हाउ मेनी कॉलम, 6 कॉलम मल्टीप्लाई, हाउ मेनी रोज, 8 रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम। नाउ 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 48,
6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 48। अगर आपको 6 का टेबल लर्न है तो आप 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 48। तो ऐसे भी कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16, 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32, 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 40, 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 48। तो हाउ मेनी स्क्वायर आंसर विल बी 48, सो हाउ मेनी स्क्वायर हियर 48 48। तो ये क्या है, ये इजी वे है काउंट करने का, जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, इजी वे है, आसान तरीका है किसी भी ज्यादा थिंग्स को काउंट करने का। अगर यही मान लीजिए ये तो हम काउंट कर लिए इजी, क्योंकि 48 स्क्वायर था, अगर 1000 स्क्वायर हो या 5000 स्क्वायर हो, ज्यादा स्क्वायर हो तो हमें काउंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो हम इस तरह से कॉलम को वे रो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर में मालूम चल जाएगा। तो आई होप इस तरीका ये जो वे था मल्टीप्लीकेशन का आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।